मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मल्लिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, विपक्षी पार्टियां लगातार नीट के मुद्दे को सदन के अंदर उठा रही है। शुक्रवार को सदन स्थगित हो गया नीट के मुद्दे पर हंगामे की वजह से। आज एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से नीट का मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र का मायने ये होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार चुनी जाती है। आज जनता यानी कि नीट से संबंधित जो लोग छात्र हैं हमारे, वो सड़क पर हैं, वो परेशान हैं और सरकार उनकी बात को अनदेखा कर रही है। हम उनके वकील हैं, हम कमेरों के वकील हैं, जनता के वकील हैं, हम उसकी वकालत कर रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही तो हमारे पास विरोध का एक ही तरीका कि हम उठ करके चले आवें, हम उस पाप के भागी ना बने तो हम क्या करें। सरकार कह रही है कि हमारे एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहती। वो सरकार का ये तो आपको साफ दिख रहा है, ये सत्य से परे है। विपक्ष तो चाहता ही चर्चा है, सरकार तो विपक्ष का गला घोट रही है, बोलने का मौका ही नहीं दे रही। वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा ना हो, ये सरकार चाह रही है। तरकीब से ऐसे ऐसे मामले कर रहे हैं। हमने नीट की बात की, उन्हें उस पर जवाब देना चाहिए था और उठ करके चल देते हैं। और वो जिस तरीके से मामला दबा जा रहा है वो संवैधानिक नहीं है। तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं, इसको समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस पर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राय ले लीजिए, वो खुद बता देंगे इनमें क्या है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो सरकार सवाल उठा रही है तीन नए आपराधिक कानून पर, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल कह रहा है। समाजवादी पार्टी नहीं, विपक्षी नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।